चलिए तुम क्यों आगे बढ़ते हो बाबू, क्या तो नहीं तुम तो आगे बढ़ते नहीं हो। तो आप इतना जैसे पत्रा में शिकर क्या है किनारे तो हो जाओ, किनारे तो हो जाओ, बढ़ाओ नहीं, बड़ा बड़ा दो चार को गिरने दो ना, चलो किनारे हो जाओ, गिरवा दो सलीसी नहीं बढ़ता है और बिपिन यही नहीं बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान अपनी गाड़ी पर बैठे हैं और आगे पीछे जनता की भीड़ है। उस वीडियो में तेजस्वी यादव की आवाज आती है कि गाड़ी आगे बढ़ाओ, दो चार को गिर जाने दो, अर्थ 24 न्यूज इस वीडियो की प्रामाणिकता की बात नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए के लोग तेजस्वी यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वहीं आरजेडी के लोग इसके जवाब में अपनी बातें रख रहे हैं। एनडीए के लोग कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन यह सच है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में जन विश्वास यात्रा से बीजेपी और एनडीए खेमा में हलचल पैदा कर दिया है। नीतीश कुमार के अचानक महागठबंधन छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन को अकेले अपने कंधों पर उठा रखा है और विपक्षी खेमा में इतने बड़े दिग्गज महारथियों के होने के बावजूद बिहार की राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ रहा है। तेजस्वी यादव की इस यात्रा में आने वाली भीड़ को देखकर एनडीए खेमा को पसीने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के पास जीतने के लिए मोदी फैक्टर है, लेकिन उसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे एनडीए खेमा को अकेले तेजस्वी यादव से लड़ना होगा और बिहार के समीकरण और जातपात की राजनीति को ध्यान में रखा जाए तो अकेले तेजस्वी यादव पूरे एनडीए खेमा पर भारी पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बार बार तेजस्वी को मिले झटकों ने तेजस्वी यादव को और मजबूत कर दिया है। अब 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन का जन विश्वास रैली होने जा रहा है। इस रैली में अपार जनसमूह के आने की संभावना है। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई किसान मजदूर नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी और एनडीए को सही रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एनडीए के महारथियों से सुसज्जित सेना के चक्रव्यूह को तोड़कर आरजेडी और महागठबंधन का झंडा फहरा देगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।